हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है। एक्चुअली क्या हुआ, 4-5 दिन से बहुत बारिश हो रही थी, तो सूर्य देवता के तो दर्शन ही नहीं हो रहे थे। तो आज फाइनली सूर्य भगवान को देखने को मिला, तो जस्ट सोचा कि आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा देते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है बाहर। और बस सुबह मेरी पूजा वगैरह सब हो चुकी है, तो बाहर आने से पहले हमने चाय चढ़ा दी थी, तो वो देखें आप लोग, ब्रू हो रही है अच्छे से। और बस इसमें बस हमें दूध डालना है, जिसके बाद चाय एकदम रेडी हो जाएगी। और देखने में चाय बहुत सही लग रही है, और जिंजर टी हम बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी चाय लगती है, मॉर्निंग की मज़ा आता है। और आज हम ब्रेड उपमा बनाने वाले हैं ब्रेकफास्ट में, और मेरी सिस्टर इन लॉ इंडिया से आई हुई हैं, तो जस्ट सोचा कि चलो ब्रेड उपमा बना लेते हैं। इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमने पैन में घी लिया हुआ है। घी हमने घर पे ही बनाया था, तो थोड़ा सा वो ब्राउन हो चुका है, बट टेस्ट इज़ वेरी वेरी गुड, कोई भी उसमें चेंज नहीं हुआ है। इसके लिए हमने क्या किया था, थोड़ा सा करी लीव्स हमने डाल दी थी, जिसके कारण उसका घी का फ्लेवर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था, इट्स टोटली गुड। तो आप लोग भी कभी भी ऐसा हो तो करी लीव्स डाल के आप ट्राई कर सकते हैं, और इवन आप चाहे तो उसमें थोड़ा सॉल्ट भी डाल सकते हैं, तो सॉल्ट डालने से उसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो अभी हमने ब्रेड उपमा के लिए हमने जो ब्रेड के साइड्स रहते हैं, जिनका हम कभी कभी निकाल देते हैं जब सैंडविच बनाते हैं, तो उसका हमने यूज़ किया हुआ है। और जो फर्स्ट और लास्ट के जो पीसेस बचते हैं उनको भी हमने यूज़ किया हुआ है, तो उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। और इसके लिए फिर हमने अनियन को चॉप करके उसको घी में डाल के अच्छे से थोड़ा सा कुक कर रहे हैं, और उसमें हमने मस्टर्ड सीड्स डाले हुए हैं। और उसके बाद जब अनियन को अच्छे से कुक हो जाता है, तो फिर हमने उसमें मस्टर्ड सीड्स डाल दिए हैं, वो हमने लास्ट में डाला हुआ था। ये आपके ऊपर है कि आप बीच में भी डाल सकते हैं। फिर हमने उसमें टोमेटोज़ डाले हुए हैं, उसको थोड़ी देर के लिए पकने दिया है लिड को कवर करके। और उसके बाद हमने फिर उसमें जब वो पक गया है, तो उसमें हमने ब्रेड का जो भी हमने टुकड़े पीसेस किए हुए थे वो डाल दिए हैं, और उसको अच्छे से हम स्टर कर रहे हैं। अच्छे से स्टर करने के बाद हम उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, वो हम लास्ट में करेंगे जब वो अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे, तो उसके बाद ही हम उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, वो हम लास्ट में ही सबसे करते हैं। अभी हम अच्छे से उसको मिक्स कर रहे हैं, और फिर उसमें ना थोड़ा थोड़ा सॉल्ट डालेंगे, और आपको पता ही है हम ब्लैक सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी डालेंगे, और उसको अच्छे से फिर से मिक्स कर। और ये देखिए ऑलमोस्ट उपमा रेडी हो चुका है, उसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने से क्या है ना, टमाटर है और अनियन है, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। और अब हम इसमें लास्ट में लेमन जूस डालेंगे, वो हमने आपको पहले ही बताया हुआ था, तो लेमन जूस डालने से भी और भी अच्छा टेस्ट आएगा। लेमन जूस डालने के बाद फिर से हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे सब कुछ अच्छे से बढ़िया से तैयार हो जाए। और ये देखिए ब्रेड उपमा अब रेडी हो चुका है और सर्विंग के लिए तैयार है, और अब आप उसको प्लेट में लेकर सर्व कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोग मंदिर चले गए, क्योंकि आज हम लोग को बाहर भी निकलना था। मंदिर जाने के बाद फिर हम लोगों का प्लान बना कि चलो कहीं बाहर निकलते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने फिर आज प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने का प्लान बनाया। तो आप लोगों को आइडिया हो गई है, ये यूनिवर्सिटी बहुत ही पुरानी है और आईवी लीग है, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है US की, और पूरे वर्ल्ड में सब लोग इसको जानते हैं। तो जस्ट हम लोगों ने वहीं प्लान बनाया कि दीदी को चलो आज
यूनिवर्सिटी दिखाते हैं, तो बस हम लोग वहाँ पे ही घूमने गए हुए हैं और वेदर भी अच्छा हो गया था बाद में, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने वहाँ पे पिक्चर वगैरह ली, वीडियोस बनाए, ऑफ कोर्स आप लोग देख रहे हैं। और फिर वहाँ पे हम लोगों ने स्टारबक्स से चाय कॉफ़ी वगैरह लिया और एंजॉय किया बहुत। और यहाँ पर क्या है ना, काफ़ी लोग मैरिज करने के बाद अपना फ़ोटो शूट करने के लिए भी यहाँ पे आते हैं, तो उस दिन वहाँ पे वो भी सब चल रहा था, तो ऑफ कोर्स हम लोगों ने वीडियो वगैरह नहीं बनाया है। सो टोटली यहाँ पे बहुत फन था, बहुत अच्छा लग रहा था। यूनिवर्सिटी में आके लगता है कि हाँ वाओ, कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है। सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन देयर एंड वॉकड अराउंड। और इस बार हम लोगों को लगा कि चलो दीदी भी आई हुई हैं, तो इसी बहाने हम लोग यूनिवर्सिटी होके आते हैं, तो और आप लोगों को दिखाना भी चाहते थे। सो और फ्यू आवर्स बिताने के बाद फिर हम लोग घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था और घर के लिए निकलना भी था। और आप लोगों को आइडिया तो है कि मेरे पास थोड़े से हमने प्लांट्स बाहर पॉट में लगाए हुए हैं, तो क्या होता है जब हम लोग खाना बनाते हैं, दाल वगैरह धोते हैं, दाल है, राइस है, तो उसके पानी को ऐसे ही फेंक देते हैं, तो हम वो पानी को फेंकते नहीं हैं, हम हमेशा उसको स्टोर कर लेते हैं धोने के बाद, और फिर उस पानी को ना हम प्लांट्स में डालते हैं, जिसके कारण प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और ये देखें, हमने प्लांट्स जो लगाए हुए थे, बेल पेपर के, टोमेटोज के, एलोवेरा के, अजवाइन के, ये सब प्लांट्स लगे हुए हैं, तो हमने वो ही पानी यूज़ किया हुआ है, तो आप खुद देख सकते हैं कि अच्छे से प्लांट्स आ गए हैं और उनमें बेल पेपर बहुत अच्छे से लगी हुई है। और ये जो प्लांट है, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, ये हमने स्ट्रॉबेरी का प्लांट ऐसे ही जैसे स्ट्रॉबेरी कट कर रहे थे तो उसका एक पीस हमने डाल दिया था, तो वो उसके भी प्लांट्स निकल आए हैं। और आप लोग प्लीज़ राइस और दाल का पानी वेस्ट मत कीजिएगा, आप उसको यूज़ कीजिएगा, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अब हम अपना वीडियो एंड करते हैं, होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सी यू सून।